पंचतत्व में विलीन होगा कांस्टेबल प्रहलाद सिंह का पार्थिव शरीर। नीमका थाना के चीपलाटा गांव में अंतिम संस्कार प्रहलाद सिंह का किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। दौसा में बदमाशों ने प्रहलाद सिंह पर फायरिंग की थी। घायल प्रहलाद सिंह की अस्पताल में मौत हो गई थी और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे कांस्टेबल प्रहलाद सिंह। तो कल एसएमएस अस्पताल में कांस्टेबल प्रहलाद सिंह ने आखिरी सांसें ली। लगातार डॉक्टरों ने कोशिश की। दौसा में हुई इस घटना में बदमाशों ने प्रहलाद सिंह को के सर में गोली मारी थी, जिसके बाद उन्हें जयपुर एसएमएस रेफर कर दिया गया था। एसएमएस में लगातार कोशिश की गई प्रहलाद सिंह को बचाने की, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा पाए क्योंकि गोली उनके सर में लगी थी और लगातार प्रयासों के बावजूद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। हमारे सहयोगी विमल भारद्वाज नीमका थाना से लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विमल, कांस्टेबल प्रहलाद सिंह के पार्थिव शरीर को पंच तत्व में आज विलीन उनका पार्थिव शरीर होगा, अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। ऐसे में क्या तस्वीर पूरे शहर भर की, उनके गांव की देखी जा सकती है आज? सच बेधड़क की तरफ से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि नीमका थाना के निकटवर्ती ग्राम चीपलाटा की खातिया वाली ढाणी में आज प्रहलाद सिंह जी की देह को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। मैं इस समय उनके घर के सामने खड़ा हुआ हूं और वहां पर बहुत ही गमगीन माहौल है। वहीं चीपलाटा में आज घरों में चूल्हे भी नहीं जले हैं। लोग अपने इस लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर खड़े हैं। थोई से चलकर तिरंगा यात्रा आज उनके पैतृक गाँव खातियाला में पहुंचने वाली है और कुछ देर बाद उन्हें पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ आज उनकी अंत्येष्टि होगी। गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पुलिस की टुकड़ियां यहां पहुंच चुकी हैं और अनेक गणमान्य लोग भी यहां पहुंच चुके हैं। आज थोड़ी देर बाद उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे विमल कि आज कांस्टेबल प्रहलाद सिंह जो कि प्रदेश की सुरक्षा में ही कार्यरत पहुंचे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उसी दौरान उनके ऊपर फायरिंग हुई और निधन हो गया। अब फिलहाल आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। जाहिर तौर पर ये पूरे गांव के लिए ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए, चूँकि हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ उनके गाँव कौन से जनप्रतिनिधि पहुँचे हैं, कौन कौन से लोग पहुंचे हैं, चूंकि आप बता रहे हैं कि काफी लोग आखिरी श्रद्धांजलि कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को देने के लिए पहुंचे हैं उनके गांव। ये सभी लोग, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, सभी लोग तिरंगा यात्रा के साथ शव को लेकर के यहाँ खातियावाला गांव में पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंचेंगे। अभी यात्रा रूपावास से शुरू होकर चीपलाटा होते हुए यहाँ पहुंचेगी। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए ये पूरे गांव के लिए तो बहुत ज़्यादा दुख की खबर है ही, लेकिन एक परिवार के लिए ये सबसे ज़्यादा उनको तोड़ देने वाली खबर है कि उनका, उनके परिवार का कोई सदस्य जो बदमाशों के साथ पूरे हौसलों के साथ जज्बे के साथ उनका सामना करते हुए इस तरीके से कांस्टेबल प्रहलाद सिंह की मौत हो गई। लेकिन उनके परिवार जनों से आपकी बातचीत हुई, किस तरीके से उन्होंने इस पूरे प्रकरण को का वो सामना कर रहे हैं और जो मदद सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है और जो भी उन्होंने मदद मांगी, हर चीज़ पर हामी भर दी गई है, इस पर उनका क्या रिएक्शन है? उनका कहना है कि जब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक हमारे प्रहलाद सिंह जी के द्वारा दिया गया हुआ बलिदान जो है वह निरर्थक रहेगा, इसलिए उन्हें सबसे पहले शहीद का दर्जा दिया जाए, यही उनकी प्रमुख मांग है। जी बिल्कुल विमन, अगर प्रहलाद सिंह जी के परिवार की बात करें तो एक लौते ऐसे परिवार के सदस्य जो पूरे परिवार को लेकर चल रहे थे, परिवार का ध्यान रख रहे थे और दो छोटे छोटे बच्चे अपने पीछे छोड़कर गए हैं, तो जाहिर तौर पर ये सबसे ज़्यादा मुश्किल भरी घड़ी पूरे परिवार के लिए, दो छोटे बच्चे और पत्नी, साथ में माँ बाप, हर कोई इस समय बिल्कुल टूट चुका होगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि तौरावाटी क्षेत्र के युवाओं का जज्बा देश प्रेम से भरा पड़ा है।
ऐसे अनेक उदाहरण हमारे क्षेत्र के युवाओं ने पेश किए हैं कि देश सेवा में उन्होंने लगातार अपने प्राण उत्सर्ग किए हैं। घर और परिवार की चिंता छोड़ उन्होंने देश को और राज्य को संबल देने का काम किया है। इस समय मैं उनके घर के समीप खड़ा हूं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह गुदरी का लाल, जिसने राजस्थान पुलिस का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाया है, इनकी शहादत पर आज बड़ी संख्या में लोग यहां एकत्रित होने वाले हैं और उन्हें अंतिम विदाई देंगे। चलिए शुक्रिया विमल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो नीम का थाना से हमारे सहयोगी विमल को आप सुन रहे थे और प्रहलाद सिंह का जो गांव है वहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं। जैसा कि वो बता रहे थे कि पूरे गांव में आज लोगों ने अपने घर में चूल्हे तक नहीं जलाए हैं, क्योंकि ये दुख की घड़ी न सिर्फ उस परिवार के लिए जिसने अपने बेटे को खोया, बल्कि पूरे गांव के लिए ही है।